हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मॉम्स कुक बुक में। आइए आज कुछ मीठा बनाते हैं। उसके लिए 2 नींबू, ये कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच और 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। तो चलिए इसके साथ आज रसगुल्ले तैयार करते हैं। तो शुरू करें। ये एक बर्तन में दूध निकाल लिया है। गैस ऑन कर देते हैं। ये नींबू जिसका जूस निकाल के पानी मिक्स कर लेना है। पानी मिक्स कर लिया है। ये दूध को चलाते हुए, लगातार चलाते हुए एक उबाल आने तक पकाना है। उबाल आ चुका है। गैस बंद कर देते हैं। ये एक छन्ना है मेरे पास, जिसके ऊपर मैंने रुमाल लगा लिया है। ये नींबू का रस जिसमें पानी मिक्स किए थे हमने, ये धीरे धीरे करके दूध में डालना है और चलाते जाना है धीरे धीरे। थोड़ा और डालेंगे। ये देखिए फटने लग गया है, लगभग पूरा लग गया है। और ये ऑलमोस्ट फट चुका है। देखिए इसका पानी का कलर कुछ ऐसा चेंज हो जाता है। पनीर अलग है, पानी अलग है। अब आइए इसको छान लेते हैं। ये मैंने छानना शुरू किया है। इसको अच्छे से दबा दबा कर इसका पानी निकाल लेना है। में सादा पानी डालकर इसे धो लेना है, क्योंकि ये जो नींबू डाला था हमने उसकी वजह से इसे धोना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से धो लेना है 2-3 पानी से, और अच्छे से दबा दबा कर इसका सारा पानी निकाल लेना है। और एक भारी बर्तन से इसे दबाकर 4-5 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब ये कढ़ाई, इसमें 1 कटोरी चीनी लेने हैं। इसी कटोरी से 4 कटोरी पानी ले लेती हूँ। कुछ केसर के धागे और उबलने देते हैं, चाशनी को पकने देते हैं। अब ये ऑलमोस्ट हो चुका है 4-5 मिनट। अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से साफ सुथरी निकल आई है। अब इसे अच्छे से मसल लेना है हल्के हाथों से, कुछ इस तरह से। इस प्रोसेस में 4 से 5 मिनट लग जाता है। इस तरह से कुछ इसे मसलना है और चिकना करना है। ये देखिए हाफ डन है। अब इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं। मिक्स करते हैं।
इसको अच्छे से काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल चिकना होना चाहिए ताकि हमारे रसगुल्ले फटे ना। ये देखिए हो चुका है ये। अब इसके बोल्स बना लेते हैं छोटे छोटे, लगभग 10 बन जाएंगे इसके। इक्वल साइज के बना लीजिएगा। अब इस तरह से इसे चिकना करना है राउंड शेप देते हुए। कुछ इस तरह से घेर के चिकना है। इसी तरह से सारे बोल्स तैयार करने हैं। इस तरह से ये हमारे पास 11 बने हैं। अब चाशनी उबल चुका है तो आइए इसमें डालना शुरू करते हैं। कलर काफ़ी अच्छा आया है केसर की वजह से। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं केसर, अगर सफ़ेद रसगुल्ले बनाने हैं तो। ये देखें, ढक के पकाना है 8 से 10 मिनट। डबल हो चुका है ये देखिए, काफ़ी अच्छी खुशबू और ऑलमोस्ट डबल। हिला लेते हैं थोड़ा सा। बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी भी बनती है। आप एक बारी ज़रूर बनाइएगा और अच्छा लाइक और शेयर करिएगा। ये अब बंद कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी बनी है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले टाइम में हमारी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और इसी तरह से बनाइए, काफ़ी स्पॉन्जी बनती है, काफ़ी